ये खूबसूरत शाम एक पल का किस्सा है। मैं मानता हूं कि सेंट कोलंबस स्कूल मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। आप जैसे लोग मिलते हैं जिंदगी में, ऐसे जिनसे कभी ना टूटने वाले रिश्ते बनते हैं। ऐसे आए हुए पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स को मैं वंदन करता हूं। यहां पर जितने भी टीचर्स हैं उन्हें मैं पादाभिवंदन करता हूं, क्योंकि वो बच्चों के लिए नोट ही नहीं बल्कि मुकद्दर लिखते हैं और वो हर रोज यह कामना करते हैं कि अपने बच्चों का नसीब बुलंद हो। और वो जानते हैं कि बड़े बड़े अकलमंद इंसान नसीब वालों के यहाँ गुलाम होते हैं। तो पैसों की अमीरी आम बात है, पर दिल की अमीरी ईश्वर कम लोगों को देता है। तो ऐसे दरिया दिल चौधरी साहब को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। जिंदगी में ऊंचा उड़ने का सपना देखना अच्छा होता है, परंतु मैं आप सबसे यह विनती करता हूँ कि इस सपने को आप आंखों में सजाकर नहीं, परंतु इसे दिल में रखें। क्योंकि अगर कोई बात आप दिल में ठान लो तो सारी कायनात भी से दूर नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो मंदिर ही क्या जिसमें मूरत ना हो, वो तलवार ही क्या जिसमें धार ना हो, और वो जिद ही क्या जिसमें शिद्दत ना हो, और वो दिल ही क्या जिसमें सपना ना हो। और हमें गुरु का आदर करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पढ़ना सिखाना फिर प्रैक्टिस करना, काम तो टीचर का होता है परंतु नाम बच्चों का होता है। उसी प्रकार जैसे बच्चे ने परफॉर्मेंस दिया, काम तो गुरु का होता है परंतु योगदान टीचर का होता है। क्योंकि यह टीचर जानते हैं कि सदियों से घी और रुई जलते आ रही है, परंतु नाम तो सिर्फ दीपक का ही होता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि गुरु का हृदय इतना विशाल होता है। और कभी उनसे गुरु मत करना, तभी आपकी जिंदगी में नूर आएगा। आपने मिट्टी को देखा होगा, जिस मिट्टी को पानी बहाकर ले जाती है वही पानी मटके में सिमट कर तरसती है। क्योंकि उस मिट्टी को ऊंधा जाता है, चाक पर चलाया जाता है और आग पर थपाया जाता है, तभी उस मिट्टी में इतनी क्षमता आती है। तो हमें जिंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए हर एक चुनौती पर खड़ा उतरना होगा, तभी आप मुकद्दर के सिकंदर बन सकते हो। समुद्र के वो लहरें ही क्या जिसका किनारा ना हो, तारों के लिए वो रात ही क्या जिसमें चांद ना हो, और हमारे लिए ये शाम ही क्या जिसमें तारियां ना हो। तो प्लीज वेट ऑन अस गॉड। थैंक यू। गूगल बॉय होना मेरा भाग्य है, आप सभी के साथ जुड़े रहना सौभाग्य है, आप सबका आशीर्वाद भी पालू तो ये मेरा परम सौभाग्य। जिंदगी में आप जितने प्रयत्न करते हो उससे ज्यादा प्रयत्न करो। जहां पर प्रयत्न की रुचि बढ़ती है वहां पर नसीबों को झुकना पड़ता है। तो जितना हो सके उतना प्रयत्न करते रहो। सेंट कोलंबस स्कूल हमें अच्छी दोस्ती प्रदान करती है और जीवन भर जुड़े रहने का संदेश देती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्ती कोई खोज नहीं होती, हर किसी से हर रोज नहीं होती। बेवजह मत समझना जिंदगी में हमें, क्योंकि पल के आंखों पर कभी बोझ नहीं होती। तो दोस्ती के लिए भी क्लास। सेंट कोलंबस स्कूल का सिस्टम काफी संघर्ष के बाद बना है। इसके संस्थापक के जीवन में कई कठिनाइयां आई। शूल मिले तो फूल समझे, कांटे मिले तो धूल समझे, सारी जिंदगी शिक्षा ही ध्येय समझे,
और इसका फलस्वरूप समाज को अमृत मिला और स्वयं को विष और सारी संस्कृति को एकजुट किया और बांध दिया और अपनी संस्कृति को छोटी सी बूंद से समंदर बना दिया। जैसे गंदे और मैले कपड़ों से हमें शर्म आती है, उसी तरह गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्म आनी चाहिए। और आज के दौरे में फोन और टेलीविजन गंदे और मैले विचारों का एक अड्डा है, तो आपको फोन को छोटा शैतान और टेलीविजन को बड़ा शैतान समझना चाहिए, क्योंकि आपको मानना चाहिए कि आपकी जिंदगी की शुरुआत समय से हुई है और समय को बेकार करना आपकी जिंदगी को बेकार करना। तो फोन और टेलीविजन का इस्तेमाल ना करें। मेरी बात आपको दिखने में कड़ी हो सकती है, परंतु आपके लिए हितकारी है, क्योंकि दवाई खाने में कड़ी हो सकती है परंतु आपके लिए अच्छा होता है। सो प्लीज पॉजिटिव ले, फिर से जोर से प्लीज ब्रेक ऑन ऑफ एंड गुस्सा ज्यादा क्या कम लग रहा है, फिर एक बार जोर से ब्रेक ऑन ऑफ एंड गॉड। सो आप इसके बदले में न्यूज़पेपर पढ़ें, फिजिकल ट्रेनिंग करें, योग करें, मेडिटेशन करें और बड़ों से चर्चा करें, अपनी जिज्ञासा का जिक्र करें। और मैं मन से गर्व से कहता हूं कि मुश्किल रहे भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। अगर कोई कहता है दिल से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और गुरुदेवो भव, उसकी तो किस्मत भी गुलाम हो जाती है। तो फाइनली मैं ऋषि जी को, संगीता जी को, बबीता जी को, सुमित सर, रविंद सर को थैंक यू देता हूँ। फाइनली भारत माता की, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वॉइस गेट तक जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग।